दर्शकों नमस्कार, खबर बिल्लौर कानपुर नगर से। जहां शांति नगर मोहल्ले में एक युवक के द्वारा अपने घर के सामने इस तरीके से चबूतरा बना दिया गया है, जिसके वजह से आवागमन में लोगों को हो रही परेशानी। मोहल्ले की पिंकी कटियार पत्नी नरेश कटियार ने बताया कि प्रिया कटियार, पुत्री अभिलाष कटियार, पत्नी अतुल कटियार के द्वारा घर के सामने इस तरीके से बढ़ा करके चबूतरा बनाया गया है कि जिसके वजह से आवागमन में लोगों को परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि यदि ढलान के रूप में, रेप के रूप में वो चबूतरा बना लिया जाए तो घर के आगे उन्हें कोई समस्या नहीं होगी और आवागमन में भी लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से चबूतरा बना हुआ है उससे आवागमन में लोगों को परेशानी हो रही है, इसलिए जनहित में ज़रूरी है कि इस चबूतरे को तोड़वा करके सही ढंग से बनवाया जाए ताकि लोगों को आवागमन में वहाँ से परेशानी ना हो। आइए जानें जनपद कानपुर नगर के बिल्हौर के शांति नगर मोहल्ले में रहने वाली पिंकी कटियार ने क्या कुछ कहा, किस तरह अधिकारियों के सामने जाकर दर्ज कराई अपनी आपत्ति। तो मुझे आपत्ति है, मगर अगर रेप बना देती हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि रेप बनने से किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। आने जाने वाला कहीं मानना यह होगा कि रोड का पानी उनके घर में न जाए। नहीं, पानी जाने का सवाल ही नहीं, मकान इतना ऊंचा बना हुआ है, ऊंचा बना, नालियां गहरी बनी हुई है, पानी कहाँ से चला जाएगा। अगर ये इस तरीके बराबर बनाया है, उनका कहने का मतलब है कि मैं बैठ नहीं पाऊंगी, रेप नहीं डालूंगी, मेरा ये मेरी ये जगह है, मैं इस पे पूरा चौतरा बनाऊंगी, मैं कुर्सी डाल के यहाँ बैठूंगी, मैं बैठ नहीं पाऊंगी। मैंने कहा रेप बना दीजिए, रेप में क्या दिक्कत है। अगर कोई वाहन फंसता है या कोई साइकिल वाला निकलता है तो वहाँ खड़ा तब भी हो जाए, या बच्चे कोई फंस रहे हैं तो उस पे रेप पे खड़े तब भी हो जाए। रेप बना दे, रेप बना दे, रेप में मुझे कोई इतराज नहीं है, रेप बना दे। रेप के लिए ही हम उनसे बार बार कह रहे हैं, मगर उन्होंने रेप नहीं बनाने के लिए तैयार। वो कह रहे हैं मैं चौतरा ही बना, और यहाँ तक बोला है कि मैं इस पर टाइल्स भी लगवाऊंगी, अभी तो चौतरा ही बना है। इतनी गुंडैती के साथ मतलब ये कब्जा कर रहे हैं। दर्शकों निश्चय ही हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो। यदि कानून के हिसाब से बात की जाए तो भी यही सही है, और सामाजिक तौर पर बात की जाए तो भी समाज को देख करके, गली मोहल्ले के पड़ोसियों की सुविधा को देखते हुए यही उचित होगा कि वहां पर रेप के रूप में सही ढंग से चबूतरा बनाया जाए। आइए जाने पीड़ित पक्ष ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपको? पिंकी कटियार। क्या समस्या है? बड़े कागज आप हाथ में पकड़े हुए हैं। जो कपोन रोड से क्रॉसिंग से जो समुदाय स्वास्थ्य के लिए रोड गया हुआ है, जब आप आगे के लिए बढ़ते हैं तो प्रिया कटियार नाम की एक मकान बनाया हुआ है, उन्होंने नाली पे चौतरे को बना रखा, जबकि उन्होंने जो प्लाट लिया हुआ है, कहां का, किस जगह का मामला, शांति नगर बिल्हौर का मामला है, शांति नगर समुदाय स्वास्थ्य रोड पे जी, ठीक है। इसके बाद उन्होंने जो प्लाट लिया है वो 15x30 का लिया हुआ है, उस पे उन्होंने अपना प्लाट पूरा बना लिया, जबकि बैनामे में साफ लिखा हुआ है कि 2 फुट जगह छोड़कर आप निर्माण करेंगी, यानी 15x30 में भी 2 फुट छोड़ के निर्माण करेंगे, उसको भी पूरा बना लिया। इसके बाद नाली जो बनी हुई है सरकारी, उस पे भी पूरी तरीके से 3 फुट ऊंचा चौतरा बना रखा है। वो समुदाय स्वास्थ्य रोड है, हर समय वहाँ एम्बुलेंसों का आना जाना है, मरीजों का आना जाना लगा रहता है, और वहाँ यातायात बाधित हो जाएगा। हमने उस पर इतराज किया, वहाँ पर आवागमन में प्रॉब्लम हो रही है। हमने जब इतराज किया उस पर, तो कई बार इतराज करने के बाद विवाद हुआ, विवाद होने में लड़ाई भी हुई, इसके बाद चौतरा बन गया, चौतरा गिराया गया, गिराने में मुकदमा भी लिखा गया थाने में मेरे खिलाफ, और इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं कुछ हुई। अब वो पार्टी ने दोबारा SDM साहब, तहसीलदार और लेखपाल, कानून गो ने सभी ने गलत तरीके से रिपोर्ट लगा के उसको आदेश कर दिया, और उसने आज चौतरे को बना लिया। मनी ये लेके लंबी रकम लेके इन लोगों ने, बताइए आप, इतनी लंबी रकम लेके इन लोगों ने उसको आदेश कर दिया गलत तरीके, जबकि मेरी एप्लीकेशन ऑलरेडी पहले से चल रही है, मेरी एप्लीकेशन को इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। कोई आदेश पत्र है आपके पास जो आप कह रहे हैं कि आदेश कर दिया इन लोगों ने? आदेश पत्र है क्या? आदेश पत्र निकल आएगा SDM साहब के चौकी इंचार्ज को आज दिया गया है, जब आज मैंने जब यहाँ आपका एप्लीकेशन दिया थाने में चौतरा बनने पे, क्योंकि हुआ क्या था, जब पिछली बार मैंने चौतरा गिराया था तब ये शासन ने मुझसे ये कहा था कि आप कानून अपने हाथ में लेंगी क्या, आपको शिकायत करनी चाहिए SDM से, आपको शिकायत करनी चाहिए थी थाने में आके। जब अब की बार मैंने SDM से शिकायत की और थाने में शिकायत की, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने जब मैंने फिर दोबारा थाने में एप्लीकेशन दिया आके, तो उसमें चौकी इंचार्ज साहब गए थे, जब चौकी इंचार्ज गए हुए थे तो वहाँ एक वकील साहब हैं जगत के साथ कुछ लोग ठेकेदार भी गए हुए थे, जिन्होंने खड़े खड़े वहाँ पर कब्जा कराया था, उन्होंने ही ऑर्डर दिखाया था कि ये ऑर्डर इनके पक्ष में हुआ है, और ये भी कहा था कि इनका भाई हाई कोर्ट में सीनियर वकील है, इस तरीके से दबाव बना रहे थे मेरे ऊपर। क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं
कि ये रोड जो इन्होंने कब्जा कर रखा गैर कानूनी तरीके से, ये रोड को खाली करा दिया जाए, आने जाने वालों को कोई दिक्कत ना हो। इतने अनुरोध है हमारा आपसे। यहाँ किससे किससे आपने अपनी समस्या बताई है? मैंने SDM साहब को भी बताई, तहसीलदार को भी बताई, CO साहब को भी बताई, क्योंकि ये पोर्टोकाल पे मेरी शिकायत गई हुई थी तो ये पूरे वाले में छा गई थी, पूरे थाने तहसील में सभी को मालूम थी, और सभी के पास जब सभी ने मुझसे यही कहा था कि आप कानून हाथ में लेंगे क्या, तो मैंने कहा नहीं लेंगे, चलिए गलती हो गई अगर मैंने हाथ में ले रखा है, मगर अगर वहां से मुझे रिलीफ मिल जाती नहीं करती, ये कोई भी गलती नहीं करती, अब फिर भी वही गलती करनी पड़ेगी हमें लग रहा है, क्योंकि मुझे कानून से कोई भी सहारा नहीं मिल रहा है। पिंकी कटियार ने बार बार कहा कि यदि आवागमन को देखते हुए, राहगीरों की सुविधा को देखते हुए, पड़ोसियों की सुविधा को देखते हुए और न्यायिक तरीके से देखा जाए तो उन्हें ये रेप के तरीके से चबूतरा बना लेना चाहिए ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। तो मुझे आपत्ति है, मगर अगर रेप बना देती हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि रेप बनने से किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। आने जाने वाला मानना यह होगा कि रोड का पानी उनके घर में न जाए, है ना? नहीं, पानी जाने का सवाल ही नहीं, मकान इतना ऊंचा बना हुआ है, नालियां गहरी बनी हुई हैं, पानी कहाँ से चला जाएगा? अगर ये किस तरीके बराबर बनाया है, उसको कहने का मतलब है कि मैं बैठ नहीं पाऊंगी, रेप नहीं डालूंगी, मेरा ये मेरी ये जगह है, मैं इस पर पूरा चौतरा बनाऊंगी, मैं कुर्सी डाल के यहाँ बैठूंगी, मैं बैठ नहीं पाऊंगी। मैंने कहा रेप बना दीजिए, रेप में क्या दिक्कत है? अगर कोई वाहन फंसता है या कोई साइकिल वाला निकलता है तो वहाँ खड़ा तब भी हो जाए, या बच्चे कोई फंस रहे हैं तो उस रेप पे खड़े तब भी हो जाए। रेप बना दे, रेप बना दे, रेप में मुझे कोई इतराज नहीं है, रेप बना दे, रेप के लिए ही हम उनसे बार बार कह रहे हैं, मगर उन्होंने रेप नहीं बनाने के लिए तैयार। वो कह रहे हैं मैं चौतरा ही बना, और यहाँ तक बोला है कि मैं इस पर टाइल्स भी लगवाऊंगी, अभी तो चौतरा ही बना है, इतनी गुंडैती के साथ मतलब ये कब्जा कर रहे हैं। ये हाल है। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़ सच की तह तक, डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।